हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है बॉटनी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर बी है पपाया, ऑप्शन नंबर सी है मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर डी है हिबिस्कस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पपाया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन डैश के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुगर्स, ऑप्शन नंबर बी है अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी है फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लिक एसिड्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीनो एसिड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज ए जनरल टर्म फॉर ए डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जो जिसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है वायरस, ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी है पैरासाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लीवर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ऑप्शन नंबर बी है एंजाइम एक्टिवेशन, ऑप्शन नंबर सी है डिटॉक्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी है रिप्रोडक्शन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिप्रोडक्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट जीरोथैलेमिया, जीरोथैलेमिया को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ बायोसाइड्स, कौन सा बायोसाइड्स का रूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी है शुगर, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी है ब्लीच। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लीच। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड, लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी है ऑटोसोम्स, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोसोम्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग में निम्न में से कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मिड्स, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियोइड्स, ऑप्शन नंबर सी है लोमासोम्स, ऑप्शन नंबर डी है मीजोसोम्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मिड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, वह जीव जो मृत जीवों तथा जीवित जीवों के मल पर पोषित रहता है उसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्निवोरस, ऑप्शन नंबर बी है डीकम्पोजर्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन नंबर डी है कंज्यूमर्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीकम्पोजर्स। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।